दोस्तों, फ़ोन बजता है और उधर से आवाज़ आता है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ बोलती है, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? बेटा बोलता है, हम दोनों ठीक हैं। आप माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ आश्चर्य से बोलती है, क्या? बेटा बोलता है, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? माँ बोलती है, हाँ हाँ बेटे। इतना कहते कहते बूढ़ी आँखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चूँकि सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश हुए थे, चलो बुढ़ापा चैन से और बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? बेटे ने कहा, हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोनों को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जाँच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे, सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था, एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। तभी एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? बूढ़ी माँ बोलती हैं, सावित्री देवी घबराकर बोलती हैं, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा था, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या था आपके बेटे का नाम? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू, सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कब का जा चुका है? क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची तो अब बिक चुका था, वो घर तो बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, लेकिन कब तक अकेली आप कब तक रह पाएंगी? बूढ़ी माँ जवाब देती है, हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? दोस्तों, माँ माँ होती है। आप उन्हें कितना भी सताएं, कितना भी परेशान करें,
माँ के हृदय में बच्चों के लिए सदा प्यार ही होता है। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, अपने माता पिता को कभी भी दर्द ना दें, क्योंकि इसके लिए आपको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के कहानी लेकर मैं फिर से अगले वीडियो में आऊँगी। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।